रीवा जिले का गढ़ थाना अंतर्गत आने वाले गढ़ बाजार की स्थिति पुलिस उदासीनता के कारण अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। आए दिन कोई ना कोई वारदात के दे रहे हैं। अंजाम पिछले कुछ समय से चोरी लूट नशाखोरी छेड़छाड़ राजनी की घटनाएं आम हो गई। आज फिर इसी कड़ी में एक महिला का मोबाइल इस बाजार से पार कर दिया गया, जिसकी सूचना थाने में दी गई। आपको बता दे, कुछ समय से होटल में चोरी, राजनी, हत्या, चोरी जैसी घटनाओं की बाढ़ आ चुकी, पर अभी तक गढ़ पुलिस अपराधियों पर शिंकजा नहीं कस सकी है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे रोज नए नए तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, महिला गढ़ बाजार करने आई थी। गढ़ में रविवार और बुधवार बाजार लगती है और दोनों दिन किसी में किसी बाजार करने वाले आए व्यक्ति के या तो जेब कट जाता है या तो मोबाइल चोरी हो जाती है। आज ये महिला 6 बजे से मोबाइल चोरी हो गया है, पूरे बाजार में अभी तक भटक रही हैं अपने मोबाइल के लिए। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा के आई है। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? अनीता पांडे। पति का नाम? शैलेंद्र पांडे। कहाँ की निवासी है? ग्राम बीमारी। कहाँ आई थी आप? आज क्या घटना घटी बताइए ना। मोबाइल लेके आई थी, सब्जी वब्जी ले रही थी, पर्स से मोबाइल निकल गया, पता ही नहीं चला। हमने जब देखी तो पर्स में मोबाइल ही नहीं था। आपके मोबाइल का नंबर क्या था, याद है? जी, 93035-14-850। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी, करा के अभी आए। पता नहीं चला कहीं? जी नहीं पता चला, कब से लगे हैं कहीं पता चले नहीं चला। मोबाइल चालू है कि स्विच ऑफ हो गया है? स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। स्विच ऑफ बता रहे हैं।